इंटीरियर मर्चेंडाइजिंग के बारे में आपको बताते हैं कि शोरूम में मर्चेंडाइजर का काम कैसे होता है और ऑर्डर कैसे रहते हैं। सपोज बायर ने किसी भी रैक से उठाया एक सैंपल और बोला कि हाँ ये सैंपल मुझे पसंद है, अब इसका आप मुझे बताइए प्राइस क्या होगा और डिलीवरी डेट क्या होगा। तो हमें सबसे पहले ना वहाँ पे जो अपने टीम में मास्टर को बिठा के शोरूम में रखना पड़ता है मीटिंग में, और फैब्रिक वाले टीम को बिठा के रखना पड़ता है। तो हाथ के हाथ उनसे पूछते हैं, मास्टर जी फटाफट इस गारमेंट का एवरेज आप मुझे बता दीजिए, और एवरेज बताने के बाद फैब्रिक वाले टीम से हम कहते हैं कि आप इसका प्राइस बता दीजिए। प्राइस जब भी उसने बताते हैं तो उस बेस पे हम एवरेज कैलकुलेट करके, प्राइस कैलकुलेट करके, टीम मटेरियल सब कैलकुलेट करके और बायर को बता देते हैं इसका प्राइस कितना होगा। वो एक टेंटेटिव प्राइस हम कोट करते हैं, एक्चुअल जो होता है बायर हो सकता है उस समय 19-20 होता है, क्योंकि बायर का टेंटेटिव होता है, क्योंकि वो प्राइस फाइनल भी कर लेता है उस प्राइस को। हो सकता है बायर को प्राइस पसंद आ जाता है तो वो प्राइस फाइनल होता है, क्योंकि मास्टर जी जो एवरेज करते हैं वो उस समय मैनुअली मेजरमेंट से कर देते हैं, उस समय उनको कैड की जरूरत नहीं होती है, शोरूम में वैसे ही आपको एवरेज बता देते हैं और बायर को दिखाते हैं, बायर को पसंद आता है, वो हाथ के हाथ ऑर्डर हो जाता है। फिर फैब्रिक टीम हमें बता देता है कि इसका फैब्रिक का लीड टाइम क्या है, हम ठीक है बेडरूम यांडेड है ये कपड़ा तो इसका बेडरूम कब तक सबमिट करेंगे और बल्ब कब तक इन हाउस हो जाएगा। इन हाउस होने के बाद उसी बेस में हम डिलीवरी कोड कर देते हैं और बायर को शिपमेंट का डिलीवरी डेट दे देते हैं। यही है ओवरऑल मर्चेंडाइजिंग का प्रोसेस। चलिए, ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।